हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जब से जवान का प्रीव्यू रिलीज हुआ है बस हर तरफ जवान ही जवान है। जी हाँ दोस्तों, ढेर सारे काम एक साथ चलाए जा रहे हैं, सॉन्ग्स की शूटिंग चल रही है, नए नए कैमियोज देखने को मिल रहे हैं, अरिजीत सिंह का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा मूवी में, और सबसे बड़ा न्यूज़ रिवील ये कि SRK के लगभग 4 से 5 कैरेक्टर होने वाले हैं और जिसमें से ये बाप का करेक्टर भी प्ले करेंगे। तो सब बातों पर चर्चा करेंगे एक एक करके, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी जवान से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं और SRK के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। यह दोस्तों शुरुआत करेंगे जवान के न्यू पोस्टर के साथ। भाई साहब क्या अमेजिंग लुक सेट किया है SRK का इस बार। जी हाँ दोस्तों, ये गंजे टकले वाला लुक काफ़ी जम रहा है इन पे, फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है और जवान में ये लुक बूस्टर भी साबित हो रहा है मूवी को ट्रेंड कराने के लिए। इसी के साथ दोस्तों SRK के मूवी में कम से कम 4 से 5 कैरेक्टर रहने वाले हैं, जिसमें से बहुत बड़ी न्यूज ये है कि SRK खुद अपने बाप का रोल प्ले करेंगे और सन का भी। तो शायद ऐसा हो कि बाप लियोनिटिक सन की डॉन टाइप हो और बेटा एक सत्यवादी की राह पर चलने वाला देशभक्त, या कुछ भी कहानी हो सकती है, इसके अपोजिट भी कहानी हो सकती है। लेकिन ये बॉल्ड लुक, ये टकले वाला जो मैच्योर लुक है, उससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद से शायद बैड वन कैरेक्टर है और एज्ड भी है, तो बाप का करेक्टर एक बार के लिए ये हो सकता है। और डॉन टाइप इसलिए क्योंकि लास्ट में जो डांस करते हुए पूरी ट्रेन हाईजैक कर रखी है वहाँ से ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो बाकी पक्का क्लियर अब ट्रेलर और मूवी से ही होगा। बाकी दोस्तों सॉन्ग्स की शूटिंग अभी भी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, वायर अप बोले तो यश राज फिल्म स्टूडियो में शूटिंग चल रही है। देखो ऐसा नहीं है कि शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, हो गई थी, लेकिन अटली कुमार और भी ज्यादा परफेक्शन लाना चाहते हैं सॉन्ग्स में, जिसमें से एक सॉन्ग की शूटिंग दुबई से इन्होंने कंप्लीट कर ली है और वायर अप में एक शूटिंग चल भी रही है। वैसे अभी तो काफी टाइम है इनके पास, तो काफी अच्छा कंटेंट ये अभी भी तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में आपको इतने सारे कैमियोज देखने को मिलने वाले हैं, भाई मजा आने वाला है। अब एक अपडेट और निकल कर आई है कि कैमियो लिस्ट में एक और चेहरा जोड़ा जा रहा है, किसका, कियारा आडवाणी का, क्योंकि हाल फिलहाल में वायर ऑफ स्टूडियो में जवान के सेट पर इन्हें पाया गया था। तो मे बी इनका थोड़ा सा रोल मूवी में भी हो सकता है और डांस में तो ये हमें देखने को मिलेंगे। देखो कैमियो लिस्ट में सबसे बड़ा नाम पहले ही जुड़ा है थालापति विजय का, फिर संजू बाबा को भी देखा जा सकता है, दीपिका पादुकोण तो है ही, इन्हें तो हम प्रीव्यू में पहले ही देख लिए हैं। इसी के साथ दोस्तों सलमान खान का भी काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं SRK के साथ कैमियो करने के। अगर ऐसा हो गया तो भाई साहब थिएटर में खलबली मच जाएगी पक्का। इसी के साथ दोस्तों अरिजीत दादा का एक तो सॉन्ग पक्का देखने को मिलने वाला है मूवी में। बाकी अपडेट और निकलती हैं तो आपके साथ जल्दी ही शेयर कर दिए जाएंगे। बाकी इंतजार करते हैं ट्रेलर का और इसके फर्स्ट सॉन्ग का। देखो अगस्त का स्टार्टिंग वीक में ही फर्स्ट सॉन्ग रिलीज कर दिया जाएगा और इसी के कुछ दिन बाद फाइनल ट्रेलर को भी रिलीज करा जाएगा। तो दोस्तों अगस्त भी पूरा जवान का रहने वाला है। बाकी मैंने बोल लिया, अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है मूवी में सलमान खान का कैमियो देखने को मिलेगा या नहीं? दूसरा, मूवी 1000 करोड़ के ऊपर बिजनेस कर भी पाएगी या नहीं? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।